हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं हुंडई की सेंट्रो जिंग है, 2013 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। इसका कंप्रेसर ना लीकेज हो गया है, तो इस वजह से मैं इसका आपको बाहर दिखा देता हूं। सबसे पहले तो इस वजह से मैं इसका ओरिंग चेंज करूंगा, तो चलो फिर मैं बाहर आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं तो अगर मैं प्रेशर मार के रखा हूँ ये मशीन अपना, तो जैसा कि मैं आपको दूर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से बुलबुले आ रहे हैं कंप्रेसर में से। नीचे से जरा दिखा देता हूँ ऊपर, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से लीक हो रहा है, तो इस वजह से मैं इसका कंप्रेसर का ओरिंग चेंज करूँगा। तो चलो फिर मैं इसको बाहर लेकर के खोल के आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं कंप्रेसर फाइनली निकाल चुका हूँ। ये रही इसका कंप्रेसर, चलो फिर इसका मैं क्लच पुली कॉइल खोलता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, क्लच पुली कॉइल खुल चुकी है अपना। ये रही क्लच और ये रही पुली और ये रही कॉइल, मैग्नेट कॉइल। तो चलो फिर मैं इसको, ये 6 नंबर एलिंग की है, 5 बोल्ट खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं उसको सब 5 बोल्ट खोल दिया हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये ओरिंग ख़राब हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैठ गया पूरा। तो चलो फिर इसको मैं ओरिंग को दूसरा ओरिंग डाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ और नया ओरिंग भी दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली कंप्रेसर पूरी खोल चुका हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो सब इसका, ये रही नया ओरिंग इसका, ये वाली ओरिंग है। तो चलो फिर मैं इसको प्रॉपर तरीके से फिट करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं ऊपर वाला ये फिटिंग कर दिया हूँ, तो ये जो साइड का रहता है ना, पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन करके ही ओरिंग फिटिंग करना। तो चलो मैं सब फाइनली फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली कंप्रेसर मैं फिट कर चुका हूँ, ओरिंग भी चेंज कर दिया हूँ। अब क्लच पुली कॉइल मैं लगा करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे, फाइनली मैं फिटिंग कर दिया हूँ, और चलो अब हम इसको गाड़ी में फिटिंग कर देते हैं, तो उसके बाद आगे दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे, गाड़ी में मैं फिट कर चुका हूँ कंप्रेसर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो दोनों पाइप वगैरह में सक्शन पाइप वगैरह लगा करके नाइट्रोजन का प्रेशर मार के फिर आगे दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाइनली फिट कर चुका हूँ कंप्रेसर, सब लगा दिया हूँ और नाइट्रोजन का प्रेशर भी मार दिया हूँ और पानी का प्रेशर सॉप पानी मार रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे, कहीं से भी लीकेज नहीं बता रहा है और कंप्रेसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कहीं से भी लीकेज नहीं बता रहा है और प्रेशर भी देख लीजिए आप, ऑल आइड तक लगा हुआ है और प्रेशर लगभग 200 से कम मारा हूँ प्रेशर। तो चलो फिर मैं इसको वैक्यूम में वगैरह मैं लगा देता हूँ, वैक्यूम में फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना लीक टेस्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे प्रेशर उतना ही है, तो ये प्रेशर मैं छोड़ देता हूँ। तो प्रेशर छोड़ के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो प्रेशर अपना 0-0 हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं इसको वैक्यूम में ले लेता हूँ। दस मिनट के लिए बस हो गया, तो 10 मिनट के लिए वैक्यूम लगाया हूँ। चलो फिर 10 मिनट बाद मिलते हैं अपन। फाइनली वैक्यूम कंप्लीट हो गया, अब मैं इसमें गैस चार्जिंग को ले लेता हूँ। ऑयल मार चुका हूँ पहले, सिर्फ गैस चार्जिंग करता हूँ। 400 ग्राम बस हो गया इसमें, तो जैसा कि देख पा रहे गैस फिल हो चुका। तो चलो फिर मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और गैस मार के आपको आगे दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, गाड़ी चालू है और एसी मैंने चालू रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसी का बटन ऑन है, लोड 1 पे है और कूलिंग पे है। कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए, 5.7 पे आ चुका है। तो इसका एसी का यानी एयर कंडीशन सिस्टम प्रॉपर हो चुका है। अब मैं इसका हीटर भी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, हीटर का बटन ये है,
और हीटर हाई पे कर रहा हूँ और रीडिंग टेम्परेचर आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो थोड़ी देर वीडियो होल्ड करता हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 48 तक आ चुका है हीटिंग टेम्परेचर अपना, और भी ऊपर जाएगा तो काफी टाइम गाड़ी चालू रखना पड़ेगा तब जाएगा ऊपर। तो इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है, तो मैं इसको कूलिंग पे ले लेता हूँ, एसी ऑन कर देता हूँ। इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो गया है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कंप्रेसर का ऑर्डिंग चेंज करके, तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम होता है एयर कंडीशन का। तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ मुझे समझ में आया, या नहीं भी आया तो भी कमेंट करके बताएं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और ये जो गाड़ी थी 2013 मॉडल का पेट्रोल सेंट्रोजिंग गाड़ी थी, 2013 का मॉडल पेट्रोल कार है। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।